नमस्कार, मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज प्रत्यय के दूसरे सत्र में हम प्रत्यय के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यय के भेद काइंड्स ऑफ सफिक्स मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, मेनली देयर आर टू काइंड्स ऑफ सफिक्स। दो भेद कृत प्रत्यय दूसरा जो भेद है तद्धित प्रत्यय। आइए चर्चा करते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मुख्यतः धातु के साथ संलग्न होते हैं, जोड़े जाते हैं। वेद प्रत्यय दूसरे शब्दों में हम बात कर सकते हैं शब्दांश की, क्योंकि प्रत्यय मूल रूप में मुख्यतः शब्दांश ही है। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों से बनने वाले कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृत धन अंत जिनके अंत में कृत जुड़ा हुआ हो, अंत में कृदन या एक संधि हो गई, यश कृत अंत कदम कृदन, कहलाते हैं। वे प्रत्यय वे शब्दांश जो धातुओं के अंत में जुड़कर सिर्फ क्रियाओं के साथ, क्रियाओं के छोटे रूपों के साथ जुड़ेंगे और नए शब्द जैसे संज्ञा, नाम, सर्वनाम, प्रणाम, विशेषण इत्यादि का निर्माण करेंगे, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृत धन धन्य जुड़ना, जोड़ देना, प्लस कर देना।
यूं समझिए, एक उदाहरण देता हूं, सिर्फ धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का संयोग होगा, धातुओं के साथ ये प्रत्यय जोड़े जाएंगे। हमने पूर्व में भी चर्चा की, जो शब्दों या धातुओं के पीछे लगता है नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, हंसना ये शब्द है, परंतु ये क्रिया शब्द है। ये नाम हमने पूर्व के सत्र में चर्चा की, हिंदी की प्रत्येक क्रिया का नाम हटा दीजिए, अब जो शेष रूप रहेगा वह धातु बन जाएगा। हिंदी में धातु निर्मित करने का, बनाने का तरीका है, रूट मेथोडोलॉजी, ढंग। इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया और एक शब्द बना हंसी, भाववाचक संज्ञा। देखिए, लिखना यहां जोड़ा गया आई, और यहां पर लिखाई, इट इज राइट, इट इज राइट, राइट इज टू लिखाई। हम आवर्त जोड़ देते हैं, लिखावट सिर्फ धातु नहीं, एक क्रिया भूलना के ना हटा, मैंने इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया अक्कड़, और अब यहां जो शब्द बनेगा भुलक्कड़, कर्तरी वाचक, कर्ता सूचक। प्रत्ययों की एक और विशेष बात है, वो जब जब किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं, आरंभिक वर्ण में प्रायः लगभग अक्सर आरंभिक वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं, मात्रा बड़ी है तो छोटी हो जाती है, कई बार मध्य में, कई बार अंत में। विस्तार से इसके लिए हमें धातुओं के गणों, उन धातुओं के सूत्रगत नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। मोटा मोटा हमें यह समझना चाहिए कि शब्दांश जब किसी धातु अथवा शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसके आरंभिक, मध्य अथवा अंत में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्ययवाही दूसरा भी हमने पूर्व में चर्चा की, मुख्य कह मेन प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला भेद हमने जाना, तृतीय प्रत्यय जो सिर्फ धातुओं के साथ संलग्न होते हैं। दूसरा जो भेद है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं शब्दांश, वे प्रत्यय अथवा शब्दांश शब्द के अंश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित
प्रत्यय कहलाते हैं। अधिक प्रत्ययों के योग से या मिलने से बनने वाले शब्द को तत्हित संधि होती है, तत्हित तत्हित धन अन तद्धितान कहते हैं। वे प्रत्यय शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ जाए, शब्दों के अंत में और नए नए शब्द निर्मित करने बनाने तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द को तद्धित धन अन धन यानी जुड़ना तद्धितान कहते हैं। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ और तद्धित प्रत्यय हमेशा सदा शब्दों के साथ। मूल रूप से जो बेसिक इन दोनों में डिफरेंस है वो यही है। उदाहरण हम यहां देखिए, भारत ये धातु नहीं है, क्रिया नहीं है। क्रिया हम सब जानते हैं, पढ़ना लिखना सुनना आना जाना खेलना देना लेना मिलना हंसना। भारत यहां के प्रत्यय लगाया गया ई है और अब जो शब्द बनेगा भारतीय इंडियन, इट इज इंडिया, दिस वन इज इंडियन। आप देखिए हमने पूर्व में कृत प्रत्ययों के साथ भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया था, गर्म। यहां एक लगाया शब्दांश की प्रत्यय की और गर्म होने का भाव हो गया गर्मी, भाववाचक संज्ञा गर्मी। कर्तृवाचक शब्द का निर्माण करते हैं सोना, यहां एक प्रत्यय लगाया गया आर और सोना में आप लगाएंगे सुना, ए पर्सन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी इज कॉल्ड गोल्डस्मिथ, सोना गोल्ड एंड गोल्डस्मिथ। तो मूल रूप से अंतर क्या है, एक धातुओं के साथ जुड़ेगा एक शब्दों के साथ जुड़ेगा, जैसे चेहरा और एक ही चेहरे के दो अलग अलग पहलू है, दुश्मन का घूंसा दुश्मन का शत्रु का तमाचा और मां का प्यार, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू, एक बार हेड एक बार टेल। प्रत्येक एक ही है, एक बार शब्दों के साथ आएगा एक बार धातुओं के साथ। इसी प्रकार आगे के सत्र में हम कृत प्रत्यय और उसके उपभेदों को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।